9th class students, welcome. In the last videos, we have discussed about the geography chapter number 1, and I hope all of those videos were very helpful for you for your study. And now in this video, we are going to discuss, or I'm going to teach you first chapter of economic named The Story of Palampur Village. The Story of Village Palampur एक ऐसे गांव की कहानी है जो कि आपके आसपास जो भी गांव हैं, कोई भी गांव हो सकता है, जो भी आपके पास हैं, कोई भी गांव आप मान सकते हैं, उन्हीं गांवों की तरह है। लेकिन हमने यहां पर एक पर्टिकुलर गांव का नाम नहीं लिया, किसी पर्टिकुलर गांव को नहीं लिया, सो हमने क्या किया, यहां पर एक पालमपुर विलेज को इसमें स्टडी किया है, जो कि प्रोडक्शन और बाकी सारी एक्टिविटीज़ करने वाला गाँव है, नॉर्मल गाँव है, कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है। सो लेकिन कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसके लिए हमने एक हाइपोथेटिकल विलेज, एक काल्पनिक गांव की, यहाँ पर एक गांव को इमेजिन किया है, सिर्फ कोई भी गांव हो सकता है। सो जैसे बाकी सारे गांव में, तो हमारे गांव में भी सेम ऐसा ही है, हमारा गांव दैट मीन्स विलेज पालमपुर, पालमपुर विलेज में यहाँ पर क्या है, सब जगह सेम होती है, तो मेन एक्टिविटीज़ होती है। गाँव में मेन एक्टिविटी क्या होगी, गाँव में मेन एक्टिविटी होती है फार्मिंग और नॉन फार्मिंग, या तो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे या नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आपको सब पता है क्या होती है, खेती करना, दूसरे इस तरह के काम, वो सारे इसमें इंक्लूड करेंगे। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ दैट मीन्स वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे पापड़ बनाना, धूपबत्ती बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग है, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट है, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप अपनी सोच के हिसाब से, अपने इमेजिनेशन के हिसाब से इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर दो तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, जो मेन एक्टिविटी है एक फार्मिंग है, एक नॉन फार्मिंग है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को हमने क्लासीफाई किया है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, डेयरी में, ट्रांसपोर्ट, बाकी और दूसरी सारी चीज़ें वो हम यहाँ पर भी अलग रख रहे हैं। अब बात आती है विलेज पालमपुर, जो आपका प्ले पालमपुर विलेज है, वो गांव है कैसा, उसका इंट्रोडक्शन क्या, अभी किसी को अगर हम बात करेंगे सो हमें एक देखना पड़ेगा ना, कौन है, कैसा है, क्या पर्सन है, कहीं जगह भी जाते हैं तो वो देखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका आपको जियोग्राफिकल एक स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। जो आपका विलेज पालमपुर है, ये कुछ गाँव ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड नहीं होते हैं, दोज आर नॉट कनेक्टेड विद द नेबरिंग टाउन्स और द विलेजेस, दे आर सेपरेटेड एंड हार्ड ऑफ रीचिंग, दैट मीन्स रिमोट एरिया, बट पालमपुर इज नॉट सच लाइक दैट। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद द रोड्स नियर बाय टाउन, नियर बाय विलेज। सो पालमपुर जो विलेज है, इसके 3 किलोमीटर फार अवे एक दूसरा विलेज है जो कि रायगंज है, और रायगंज वाली रोड जब आगे चली जाती है, सो इट रीच नियर बाय टाउन शाहपुर। शाहपुर में जो बेसिकली जो ट्रेडर्स हैं वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। सो यहाँ पर जाने के लिए अभी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, सो वो भी अवेलेबल है। सो मेन ट्रांसपोर्ट जो मोड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो बिलकार्ट, जानते हैं आप, तांगास जो घोड़े से चलने वाली गाड़ी होती है, बुग्गीज जो बैलगाड़ी होती है जो आप सड़कों पर देखते हैं, इसके अलावा बाइक, ट्रैक्टर और ट्रक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है वो मेनली यहाँ पर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सो इन द इन दिस वीडियो आई थिंक इंट्रोडक्शन इज इनफ फॉर योर विलेज पालमपुर। इन द नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ दैट विलेज। टिल देन थैंक्स।